नमो शिवाय। और भैरवाय हम इस देवता धुंधा कुल देवता धुंधा गुरु की बात ओम श्री ओंकाराय नमो नमः। ओम श्री ओंकाराय नमो नमः। ओम श्री निरंकाराय नमो नमः। ओम श्री निरंकाराय नमो नमः। ओम श्री ओंकाराय नमो नमः। ओम श्री ओंकाराय नमो नमः। ओम श्री दंडेश्वराय नमो नमः। ओम श्री दंडेश्वराय नमो नमः। ओम श्री नागेश्वराय नमो नमः। ओम श्री नागेश्वराय नमो महेश्वराय नमो नमः। ओम श्री महेश्वराय नमो नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय जय महादेव। जय जय महादेव। प्यारे महादेव। प्यारे महादेव। प्यारे महादेव। प्यारे महादेव। तुझ में महादेव। तुझ में महादेव। मुझ में छिपा है यार, ढूंढना तेरा कर्म है, उसका काम नहीं, काम नहीं, काम नहीं।
अब यहाँ क्या बात आई कि घी है जैसे माखन में घी में छिपा है प्यार, उस प्यार ने करना है हमारा बेड़ा पार। उल्टी बात हो गई, माखन जैसे दूध में है वो अच्छी बात है, माखन रगड़ो तरीका है, देखो युक्ति है, उसका घी बनाओ, उतना रगड़ना पड़ेगा हमें, उतना घिसना पड़ेगा अपनी इस बॉडी को, ये चमड़े की बॉडी प्रभु की पूजा करने के काबिल है ही नहीं, इसमें गंदे गंद भरा हुआ है, 99% गंद है, 1% प्राण बस है, इतनी सी प्राण शक्ति है जिसमें 10 प्राण लिपटे हुए हैं, सारी बॉडी आत्माई है, ये इसकी स्थिति है। तो आज हम यहाँ छोटा सा दरबार बनाएंगे ताकि कल हम जाना जाने से पहले हमारी अंदर की थोड़ी जागृत हो जाए, हमारी आत्मा जाग जाए, हम आत्म विजेता बन जाए, रात को में प्रभु का भगोर आ जाए सपनों के अंदर, दिख जाए प्रभु इसी तरीके से, तभी उसको जाके अपनी मनोकामना अर्पित कर सके, उसकी रहमत के काबिल तो बने, पहले उसकी कसौटी पे तो उतरे। तो इसलिए अब यहाँ पे आप बहुत भाग्यशाली हैं, लकी हैं कि किसी बहाने किसी तरीके से आप यहाँ आ गए। देखो आप बहुत संसार में बहुत सत्संगों में जाते हैं, बहुत कीर्तनों में जाते हैं, वहां बहुत अच्छे भाषण होते हैं, बहुत अच्छा आपको ज्ञान है, पर अगर आप वहां से सुन के आ जाएंगे तो कुछ नहीं मिलना आपको, पाप लग जाना है, पहले सुनो फिर गुनो फिर मनो। जब तक आप मनेंगे नहीं, अनुभूति में प्रज्ञा में नहीं उतरेंगे, वहां जाकर क्या करेंगे, प्रभु तो अंदर ही बैठा है हमारे अंत कर्म में स्थित है महादेव, अभी उसकी अष्टम शक्ति को जगाना होगा, उसके लिए हम उसको बुलाएंगे, प्रभु का आदेश लेंगे। तो वो भी मोटा मोटी आपको पता है कि ये पूरा शरीर है, इसमें ये तीन शरीर है हमारे, ये वाला शरीर कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये नाभि वाला स्थूल शरीर, इन तीनों को जागृत करना पड़ेगा। आप जागृत करें बिना कोई कितनी भी पूजा कर ले, जैसे पूजा तो आप कर रहे हैं, घंटियां तो मार रहे हैं, दिया बत्ती जला रहे हैं, खंड पाठ कर रहे हैं, घरों में जगाते कर रहे हैं, सारी संध्या कर रहे हैं, फिर दुखी क्यों है, फिर हमारे बच्चों के काम क्यों नहीं हो रहे, बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मान रहे, फिर बच्चों की शादी क्यों नहीं हो रही, बच्चों के बच्चे क्यों नहीं हो रहे, फिर उनके बिजनेस में कामयाबी क्यों नहीं हो रही, लड़ाई झगड़े भाइयों में क्यों हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं कि ये कलयुग है और कलयुग में गंदी बॉडी के साथ गंदे काम होने सारे। जैसे घड़ी तो सबके पास है, 20 लाख से 25 लाख टाइम किसी के पास है, अमेरिका अफ्रीका से सारे पढ़ के आगे डिस्टर्ब है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं है, आईक्यू लेवल बहुत बढ़ गया है, कंप्यूटर लैपटॉप ये वो इधर उधर, इमोशन खत्म हो गए, इमोशन है नहीं, दोस्त बहुत है, वर्चुअल फ्रेंड जिनको कहते हैं, रियल फ्रेंड कोई है नहीं। मेडिकल सेंटर कितने खुल गए, इतने इतने बड़े हॉस्पिटल बन गए, सारे बीमार हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत कर ली, पैसा भी बहुत कमा लिया, टेंशन बढ़ गई, तो मिला क्या फिर हमें। लेकिन आज हमें मौका मिला कि हम वहां जाएं, जाने से पहले अपना पूरा सिस्टम हाइपरथर्मल सिस्टम या बॉडी के जितने ट्रिलियन सेल हैं उनको एक्टिवेट करें, उनके रिसेप्टरों को खोलें, सेप्टरों को खोल के अपनी मनोकामना प्रभु को अर्पित कर दें। बाकी वो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, हर जगह मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उसको कोई बताने की जरूरत नहीं है, हमें अर्पण करना सीखना है। जितना हमें खाने पीने में शौक है उसका 100th भी अगर प्रभु को प्यार हो गया तो उसकी ललाट मिल जाएगी, ये तो इतने जन्म बीत गए, ये भी जन्म बीत ही जाए, तो ऐसा हम ना करें। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि यहाँ बैठ के महाकाल शिव शंकर का संकीर्तन करेंगे, हम सब करेंगे, कीर्तन बहुत हो गए, यम का आसन नैन तिलक रे जपा जाप जपाता, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है हमारा, साधु संत बहुत है, यम के आसन चल रहे धड़ाधड़ हो कुछ भी नहीं रहा, इसमें आपको क्रियाएं करनी पड़ेगी, विराग करना पड़ेगा, अनुराग करना पड़ेगा, उसको भूलना पड़ेगा, फिर प्रभु की शक्ति है जगह के अंदर, उसके जगते ही हमारे रोग तो मिटेंगे मिटेंगे, अंदर अष्टम शक्तियां जाग जाएगी महाकाल शिव शंकर की, वो जागते ही आपके सारा काम ऑटोमेशन में आ जाएगा, फिर वो होगा जो आप चाहेंगे। उसी सिलसिले में हम यहाँ बैठे हैं, तो आपके प्रॉपर दरबार में जाने के लिए वास्तु मंत्र है, जिनको नहीं आता वो सुन सकते हैं, ये इस दिशा से शुरू होता है, नॉर्थ से, ओम चरवाहे नमः, ओम चरवाहे नमः, ओम स्कंदाये नमः, ओम स्कंदाये नमः, ओम विद्याये नमः, ओम विद्याये नमः, ओम अर्णाये नमः, ओम अर्णाये नमः, ओम पूतनाये नमः, ओम पूतनाये नमः, ओम जोगाये नमः, ओम जोगाये नमः, ॐ रक्षाये नमः, ॐ रक्षाये नमः, ॐ पिछलिलाये नमः, ॐ पिछलिलाये नमः, ॐ ब्रह्माये नमः, ॐ ब्रह्माये नमः, ॐ ब्रह्माये नमः, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
महादेव बोलकर सबका अभिनंदन करता हूँ। हर हर महादेव बोलकर सबका अभिनंदन करता हूँ। महादेव महाकाल में दरबार में हाजरी भरता हूँ। महादेव महाकाल के दरबार में हाजरी भरता हूँ। हर हर महादेव बोलकर सबका अभिनंदन करता हूँ। हर हर महादेव बोलकर सबका अभिनंदन महादेव महाशिव के दरबार में हाजरी भरता हूँ। महादेव महाशिव के दरबार में हाजरी भरता हूँ। दरबार में हाजरी भरता हूँ। दरबार में हाजरी भरता हूँ। हर हर महादेव। हमारी हाजिरी लग गई, हम सब प्रेजेंट हैं। महादेव का बड़ा धन्यवाद है, उसने हमें यहाँ बैठा दिया लाके। ये भी अच्छा कर्म फूटा, सत्कर्म फूटा कि हम यहाँ आ गए। तो हर आदमी दुनिया में बिजी है। बिजी तो वो भी थे जो चले गए संसार से, बिजी हम भी हैं जो चले गए। उनको क्या मिल गया? तो हमने पास्ट को देख के ये एक माइंड मशीन बनानी है कि वी आर क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। हम अपना बेड़ा ना करें, अपने बच्चों का भी भाग्य ठीक करें। ये कलयुग है, इसके सबसे शांति का भक्ति मार्ग है, क्योंकि मंत्र मार्ग बड़ा मुश्किल है, सेवा का मार्ग बहुत मुश्किल है। हम नहीं कर सकते हैं, भक्ति मार्ग ही कर सकते हैं। प्रभु को प्यार करना सीख जाए, बस कितनी प्यार होगी, प्यारों का भी प्यार। तो वो ये प्यार का भी ये बादशाह है, ये कुबीबा है, ये रहबर है हमारा, माया है, प्रीतम सब यही है। तो आज यही चीफ गेस्ट है, सब कुछ यही है। इसको यही स्थिति में मान के हमको ये भी सोचना होगा कि हम जब कल वहाँ जाएं तो प्रभु को देने की बात करें। आप दे क्या सकते हैं इस बॉडी से प्रभु? तो प्रभु को नॉर्मल आदमी सोचा, मैं क्या दूं पैसा, मेरे पास कुछ है ही नहीं। हमारे पास है प्रभु, प्रभु की शक्ति है। कौन सी? प्यार करना, श्रद्धा करनी प्रभु, उसके थोड़े बहुत मंत्र जपना, उसके धामों को टच करना, फील करना, ये तो है ना हमारे पास। तो ये तो हम करें प्रभु के लिए, कुछ ना कुछ बॉडी में से निकाल के दें गंध, क्रोध लोभ मोह का एक एक परसेंट से निकालें, एक निकालेंगे दस प्रभु निकाल लेगा। तो देना प्रभु को वो है और करना प्रभु को वो है, दोनों आपको बता दिए। अगर हम नहीं करते हैं तो ये जो शरीर है ये तो शव है, और जो ये बोल रहा है तोता जुगनी बोल रही है, ये शिव है। देखो सीधी बात है, ये निकल गया तो शव बन गया, लोगों ने इसको जला देना है। तो शव और शिव में फर्क नहीं है, तभी मरगढ़ का भाषा है ये। तो हम प्रभु को हमेशा कहें कि हमारे मन पे तेरी हुकूमत चले, मेरे दिल में तेरी बादशाहत रहे, मैं रहूँ ना रहूँ तू सलामत रहे। ऐसी भावना आपको बनानी पड़ेगी, नहीं तो ये काम बनेगा नहीं। क्योंकि उसके लिए हमें बुले शाह का देखो, वो बहुत अच्छा उसने बताया था कि इतनी गंदी बॉडी है बेटे, तू कैसे पूजा करेगा प्रभु की? वो भी महादेव शिव शंकर की कैसे पूजा करेगा? गंदी बॉडी, चमड़े की बॉडी, ये मांस की बॉडी, लज्जा फज्जा, ये खून इसमें भरा पड़ा है, अगर इसको काटो दर्द ही कर जाएगा। तभी बुले शाह ने बहुत अच्छा कहा था कि सारे दुनिया के पहले अच्छे अच्छे फूलों का तू इत्र बना, इत्र होता है जिससे स्मेल आती है, इत्र बना, फिर तू उस इत्र का दरिया बहा, दरिया बहा दे, फिर तू माना उसमें बोलते खा, फिर भी तेरी बो नहीं जानी, स्मेल नहीं जानी, पहले अपनी मैं मुका मैं मुका मैं मुका, फिर भी मुकेगी नहीं, फिर तू उसमें बोते ला के मच्छियों की तरह तारिये ला, मच्छी ऐसे ऐसे करती समुद्र में ऊपर ठूकती है फिर नीचे मच्छियों की तरह तारिये ला, फिर भी तेरी मैं नहीं जानी बो नहीं जानी, पहले अपनी मैं मुका मैं मुका मैं मुका मैं मुका। जब तक हम अपने जीवन में बीएमपी सिंड्रोम और ईगो पर्सनैलिटी नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं होने वाला हमारा। और हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी किस्मत रही हमारी कि दुनिया का सबसे गरीब आदमी भी मिला और सबसे अमीर आदमी भी मिला, सबसे छोटा संत भी मिला, सबसे बड़ा संत भी मिला, सबसे कमजोर आदमी मिला, अमरीका का सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट भी मिला, सबसे सुंदर छोटा सा बच्चा भी मिला, सबसे सुंदर दुनिया की रानी भी मिली। इसलिए हम सारी बात अनुभूति में प्रज्ञा से कर रहे हैं, ना हम साधु है ना संत है, ठीक है। हमारा काम है आपको बताना, हमको बताएंगे आपको, हमारा हरिदन बन रहा है, हमें आदेश है महादेव का कि नाथ मांगो बता दो, बस आप लेना ना लेना आपकी जिम्मेवारी है ना। तो इसलिए बुले शाह की बात देखो, उसने क्या था कि फिर भी तेरी मैं नहीं जानी, पहले अपनी मैं मुका मैं मुका मैं मुका। अब हम आगे जोड़ते हैं उसके, फिर तू माया के नाग पास के ये धोसले कपड़े ला, शिव के नाम की सुंदर सुंदर माला गले में पा, शिव के नाम को ध्या,
फिर तू अपना जीवन सफल बना। ये उसके आगे जोड़ दिया हूँ, तो किसी की नकल भी मारनी है तो उसके उसको इम्प्रूव करना है, जवान की तरह अच्छा बनाना है। आज हमारा ये मकसद है कि हम सब मिलकर यहाँ संकीर्तन करें, और ये हाल तो हमने थोड़ा सा शुरू कर लिया, अब थोड़ा सा वाइब्रेशन पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे संकीर्तन करेंगे। जैसे जैसे टाइम प्रभु देगा उतना ही करेंगे, और थकना नहीं, डरना नहीं, घबराना नहीं, सब उठे हुए हैं सुबह के। कभी कभी ये मौका मिलता है, कोई है तो ऐसी बात नहीं है, अब टेंशन हो गए। महारूप महाकाल महादेवा, महारूप महाकाल महादेवा, महाकाल महादेवा, गंगधारी महाकाल महादेवा, गंगधारी महाकाल महादेवा, चांददारी महाकाल महादेवा, चांददारी महाकाल महादेवा, सूरदारी महाकाल महादेवा, सूरदारी महाकाल महादेवा, गंगधारी महाकाल महादेवा, महाकाल महादेवा, नीलकंठ महाकाल महादेवा, भोलेनाथ महाकाल महादेवा, भोलेनाथ महाकाल महादेवा, भीमशंकर महाकाल महादेवा, भीमशंकर महाकाल महादेवा, जटाजूट महाकाल महादेवा, जटाजूट महाकाल महादेवा, बम 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 महादेवा, महाकाल महादेवा, गौरीनाथ महाकाल महादेवा, अन्नपिता महाकाल महादेवा, अन्नपिता महाकाल महादेवा, जय 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 महादेवा, जय 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 महादेवा, सोमनाथ महाकाल महादेवा, सोमनाथ महाकाल महादेवा, नागराज महाकाल महादेवा, हर हर महादेवा, हर 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 महादेवा, जय 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 महादेवा, जय 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 महादेवा, जय 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 महादेवा, जय 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 महादेवा, बगड़ बम महादेवा, नगड़ बम महादेवा, नगड़ बम महादेवा, गगड़ बम गगड़ बम महादेवा, गगड़ बम महादेवा, बुदड़ बम महादेवा, महाकाल महादेव महादेवा, महाकाल महादेव महादेवा, देवाधिदेव महाकाल महादेव, महाकाल महादेवा, महाकाल महादेवा, हर 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 महादेवा, हरि ओम तत्सत, हर हर महादेव, महाकाल का जो रूप है, ये तेरा रूप कितना भयंत है, तेरा जिक्र कितना अनंत है, तेरा नाम कितना है मुक्त सर, तेरा जिक्र कितना तवील है, इसको विज्ञान नहीं कर सकते हम लोग, इस आत्मा की औकात नहीं है, लेकिन कोशिश करनी आपको विराट बनाने की। रूप बोले तो राम दिखेगा, रूप उड़ाड़ी मारेगी तो राम दिखेगा, ये भी आपको बता रहे हैं, लेकिन उड़ाड़ी मारनी खुद सीखनी पड़ेगी आपको, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, युक्ति बता सकता है। जब तक ये जूरी जो नाभि के नीचे बैठी है कुंडलनी है नहीं उठेगी, हमारा जीवन पशु समान है, हम पैदा हुए, बच्चे बने, बच्चों ने आगे बच्चे बनाए, आगे हम मरते फिरते मर गए, दो डंडे और चार कंधों में शमशान घाट पहुंच गए, क्या यही हमारी पुकार जीवन है,
इसी के लिए जीवन दिया मांग काल ने हमको, ये मौत का मालिक है ना, हमारे इसके जीवन तो नहीं दिया, उद्देश्य हमारा ये नहीं है। हमारा देश है किसी तरीके से देखे तो सही रूहानी दुनिया क्या है, रूहानियत क्या है। हम अपनी जो आत्मा को जख्मी कर दिया हमने, इस परिंदे को रूप परिंदे को जख्मी कर दिया, तो हम आत्मा की पनिशमेंट से आत्मा की रिफॉर्मेशन की तरफ चले। हमें ये बात पे ध्यान देना है, जैसे जीपीएस सिस्टम से सारा कुछ चलता है ना, हमें एसपीएस सिस्टम लगाना पड़ेगा, सोल सोल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये माइंड जो काफी चंचल चपल है, इसमें ऐसा विचार डालना है आज आपको कि जैसा विचार डालोगे वैसे ही इसमें स्टेम सेल बनेंगे, वैसे ही सेल बनेगा, वैसे ही मॉलिक्यूल बनेगा, वैसे ही मास बन जाएगा। संसार में जितनी भी घटना हुई माइंड से शुरू हुई, और माइंड को कौन कंट्रोल करता है, ज्ञानमय कोश। ज्ञानमय कोश इधर आया उधर सोचा, जैसे आपके माइंड ने प्लानिंग बनाई और यहाँ आ गए, कुछ अच्छे कर्म भी करता है माइंड, तो माइंड का इसलिए धन्यवाद करना है कि माइंड ने आज आपको ला के यहाँ बैठा दिया। अब यहाँ से आप आत्मा को प्रधान बना रहे हो अपना, माइंड की गेम प्लान में मत फंसना। माइंड नहीं चाहता यहाँ बैठना, आपको फिर बता दें माइंड रिवोल्ट कर देगा। माइंड घोड़ा है, ये चपड़गंज है, लपड़गंज है, ये नहीं छोड़ता हमें, ये पापी शक्ति है वो है हमारी, माइंड ने ही हमारा बेड़ा गर्क कर रखा है। जब अगर जब तक हम माइंड के होकर संसार में जिएंगे दुखी रहेंगे, जैसे ही आत्मा को बीच में लाएंगे अपनी सोल कॉन्शियसनेस को जगाएंगे, सुख आना शुरू हो जाएगा। दुख में भी सुख दिखेगा, क्योंकि ये दुखानंद की है, ये सुखानंद की है, ये प्रेमानंद की है। देखो तो हर स्थिति में अगर हम इसको बैठा लेते हैं, उसके लिए फिर प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस जैसे हमें नहाना आ गया, गाड़ी चलानी आ गई, टेलीफोन सारे आ गए, खाना खाना आ गया, तीन बार भोजन और भजन एक बार, इसमें भी आते हैं विघ्न हजार। खाना खाना तो कभी नहीं बोले आज तक, है ना। तो परमात्मा हमारी प्रियोरिटी लिस्ट पे नहीं है, लेकिन अब हम यहाँ लोग बैठे हैं, कल जब आप वहाँ जाओ तो आप एक धारणा बनाओ मन के अंदर कि प्रभु बात तो ठीक है, तेरी अगर कोई शक्ति है तो तू भी अपना जज्बा तो दिखा, लेकिन हम ये कहने के काबिल तो हो पहले। उसके लिए ही सारा ये योजना होती है कि थोड़ा सा तैयारी कर ले हम प्रभु के लिए, क्योंकि अगर हम तैयारी के बिना जाएंगे तो काम बनेगा नहीं। क्योंकि एक आत्मा जो है वो क्या करे, या तो हम संसार को प्यार करते रहे, बिल्डिंगें बनाए जितनी मर्जी बनाते जाए, फैक्ट्रियां फार्म बना लें, घर बना लें, या किसी व्यक्तियों को प्यार करें। तो प्रभु को प्यार करने के लिए तरीका आसान यही है कि सारे व्यक्तियों को प्यार करना पड़ेगा, घर के चौकीदार से लेके वाइफ बीवी हस्बैंड सबको, लास्ट तक जो बूढ़ा आदमी है जमीन से बांधा। लेकिन लोग नहीं करते, क्योंकि ओल्ड एज होम चलाते हैं, पौने चार हजार बूढ़ा बूढ़ी रखा हुआ है, माँ बाप ने बच्चों ने निकाल दिया उनको घर से, तो बच्चों का बेड़ा गर्क तो होना ही होना है, उनके घर आगे बच्चे खराब हो जाते हैं, उनकी बात नहीं मानता कोई भी बच्चा। आजकल हमने देखा है कि हम जो हमारा सेंटर है वहां पे डॉक्टर ज्यादा आते हैं, और पिछले संडे में देखो 18 डॉक्टर आए थे, किसी के लंग कैंसर है, किसी का ब्रेन ट्यूमर है, किसी के फेफड़े गल गए, किसी का पानी भर गया, क्या है इसलिए उनका एटीट्यूड ही खराब हो गया। वो परमात्मा के फरिश्ते हैं एक्चुअली, डॉक्टर बहुत सारे अच्छे भी हैं, लेकिन उनका मेन मुद्दा होता है कि ये आदमी को हटा लो जबरदस्ती, उसको बीमार कर देते हैं, तो चाहते हैं कि 5,000 दिन हॉस्पिटल दाखिल रहे। तो हमने ऐसी भावना नहीं बनाई प्रभु के साथ, कोई हेरा फेरी नहीं करनी, क्योंकि हमारा हरिदान हमारे पास पहले ही नहीं है। क्योंकि ये शक्ति क्या है, हम फिर शक्ति में वापस आते हैं। शिव शंकर भोले कैलाशवासी, दीन दुखियों के देवता विनाशी, शिव शंकर भोले कैलाशवासी, दीन दुखियों के देवता विनाशी, जिसके माथे पे चंदा साजे, जिसके माथे पे चंदा साजे, जिसके हाथों में डमरू बाजे, जिसके हाथों में डमरू बाजे, ओ शिव शंकर भोले कैलाशवासी, ओ शिव शंकर भोले कैलाशवासी, दीन दुखियों के देवता विनाशी, दीन दुखियों के देवता, गले में सर्पों की माला, जिसके गले में सर्पों की माला, जिसने पिया था विष का प्याला, जिसने पिया था विष का प्याला, ओ शिव शंकर भोले के
चुआसी दीन दुखियों के देवता अविनाशी बम बम बोले शंकर कैलाश वासी दीन दुखियों के देवता अविनाशी जिसके गले में मुंडों की माला जिसके हाथों में त्रिशूल भाला जिसके हाथों में त्रिशूल भाला ओ शिव शंकर बोले कैलाशवासी दीन दुखियों के देवता अविनाशी दीन दुखियों के देवता अविनाशी मम बोले शंकर कैलाशवासी दीन दुखियों के देवता अविनाशी दीन दुखियों के देवता अविनाशी रहे भूतों के संग रहे भूतों के संग इसके अद्भुत है रंग इसके अद्भुत है रंग रहे गौरी के संग रहे गौरी के संग इसके नए नए रंग इसके नए नए शिव शंकर भोले कैलाशवासी शिव शंकर भोले कैलाशवासी दीन दुखियों के देवता अविनाशी दीन दुखियों के देवता अविनाशी जिसके हाथों में जीवन का मंडल जिसके हाथों में जीवन का मंडल नाचे तो गाँव पे भूखंडल नाचे तो गाँव पे भूखंडल तीनों लोगों के देवा कैलाशवासी दीन दुखियों के देवता अविनाशी दीन दुखियों के देवता अविनाशी जिसके चरणों की मौत है दासी जिसके चरणों की मौत है दासी चाहत में दुनिया है प्यासी जिसकी चाहत में दुनिया है प्यासी ओ शिव शंकर बोले कैलाशवासी ओ शिव शंकर बोले कैलाशवासी दीन दुखियों के देवता अविनाशी दीन दुखियों के देवता अविनाशी मम बोले शंकर कैलाशवासी मम बोले दीन दुखियों के देवता अविनाशी दीन दुखियों के देवता अविनाशी हर हर महादेव जय जय महादेव। अब प्यारे दोस्तों इस प्रभु को हमें बजाना है बुलाना है पटाना है फसाना है इसकी बल्ले बल्ले करनी है इसकी वाह वाह करनी पड़ेगी हमें हमारी बॉडी की नस नस बोले हरी हरी क्योंकि वेद क्या कह रहा है कि शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ अंतकाल के गौ सागर में उसका बेड़ा पार हुआ जिसके मन में इस पापी मन में शिव का ध्यान उसका जीवन हो आसान मार सके ना उसको भाई माया का कोई भी तूफान शिव से नाता जोड़े बंदे जग से नाता तोड़े बंदे तू नामन अनजान एक इंसान हे इंसान हे इंसान ये वेद क्या है इसलिए हमें बड़े तन्मयता से इसका आराधना करनी है ये हम संकीर्तन कर रहे हैं हम कुछ नहीं बोल रहे हम सब बोल रहे हैं हम सब आत्माएं हैं प्रभु के मीठे प्यारे बच्चे हैं ये भी बात याद रखनी है ना तो सब मिलजुल के हम संत समृद्धि में काम कर रहे हैं ये ताकि हमारी सिफारिश कबूल हो जाए इबादत कर रहे हैं महाकाल की क्योंकि ये बॉडी इसी ने दे रखी है इसी की अमानत है ये हमारा कुछ भी नहीं है लेकिन जितनी भी शक्तियाँ हमारे में हैं इसी के छोटे छोटे रूप हैं तो उनको हम एक्सप्लॉइट करना है हमको अब प्रभु हम ये कहते हैं कि तेरी आ जाओ प्रभु अभी नहीं आए शक्तियाँ सारी नेगेटिव पॉजिटिव सारी आ गई जैसे ही हम शिव का संकीर्तन करते हैं भूत भी आ जाएंगे प्रेत भी आ जाएंगे पिशाच भी आ जाएंगे सब शक्तियाँ आ जाएंगी लेकिन हमें स्पेसिफिक शक्ति के ऊपर ध्यान देना है महाकाल शिव शंकर ये भी याद रखना है एक शिव है एक शंकर है कंफ्यूजन नहीं करना शंकर महामृत्युंजय शक्ति है जिसका काल मंदिर है उसकी भी पूजा करनी है बड़े आराम से शिव अल्टीमेट है ज्योतिर्लिंग है तो शिव शंकर को जिसने पूजा क्योंकि हमारी जो बॉडी है इसका मालिक मौत का महामृत्युंजय है शक्ति किसकी है शिव की
तो हमने बड़े पापा को पकड़ लिया, क्योंकि अकाल मृत्यु वो करे जो काम करे चंडाल से, मौत भी उससे डरती है जो भगत हो महादेव महाकाल के। ये फैक्ट आपको बता रहे हैं, दो दिन बाद घटने ऐसा हो चुकी हमारी लाइफ में, मौत भाग जाती है क्योंकि मौत की भी मौत है, ये मौत का मालिक है। जब तक ये नहीं जाएगा मौत नहीं हो सकती, कुछ नहीं कर सकती मौत, तो इसलिए इसी को बताना हमने किसी कीमत पे भी। उसके लिए प्रभु कहते हैं कि तेरी जुस्त दिल में जागने लगी है प्रभु, हाँ तुझे आना होगा, इधर आओ खान के अंदर। तेरी जुस्तजू है दिल में, तेरी जुस्तजू है दिल में, तेरी आरज़ू है दिल में, तेरी आरज़ू है दिल में, ओ तेरी जुस्तजू है दिल में, तेरी जुस्तजू है दिल में, तेरी आरज़ू है दिल में, तेरी आरज़ू है दिल में। ना थके निगाहें मोरी, ना थके निगाहें मोरी, तोरे मुख से जिंदगी में, तोरे मुख से जिंदगी में, हटे निगाहें मोरी, हटे निगाहें मोरी, तोरे मुख से जिंदगी में, तोरे मुख से जिंदगी में, फूलों की ताजगी में, फूलों की ताजगी में, तारों की रोशनी में, तारों की रोशनी में, जो बात देखी तुझ में, जो बात देखी तुझ में, देखी ना वो किसी में, देखी ना वो किसी में, जन्नत की जन्नती में, जन्नत की जन्नती में, चंदा की चांदनी में, चंदा की चांदनी में, जो बात देखी तुझ में, जो बात देखी तुझ में, देखी ना वो किसी में, देखी ना वो किसी में, तुम सामने खड़े हो, तुम सामने खड़े हो, सजदा मैं कर रहा हूँ, सजदा मैं कर रहा हूँ, क्या लुफ्त आ रहा है, क्या लुफ्त आ रहा है, भक्तों को बंदगी में, भक्तों को बंदगी में, प्यासों को बंदगी में, प्यासों को बंदगी में, प्यासों को बंदगी में, प्यासों को बंदगी में, ना हटे निगाहें मोरी, ना हटे निगाहें मोरी, तोरे मुख से जिंदगी में, तोरे मुख से जिंदगी में, ना थके निगाहें मोरी, ना थके निगाहें मोरी, तोरे मुख से जिंदगी में, तोरे मुख से जिंदगी में, तोरे मुख से जिंदगी में, तोरे मुख से जिंदगी में। सपनों में सब कॉन्शियस ब्रेन में आत्मा परमात्मा को कहती है कि जब तुम सपनों में आओ प्रभु, वैसे तो तुम आ ही रहे, सपनों में आ जाना, लेकिन तेरी आंखें हटे ना तेरे नूर से, थके बिना, तुम सबसे सुंदर हो दुनिया में, है ना प्रभु, मेरा तेरा रिश्ता भी पक्का है, मुझे कौन तुझसे अलग करे, मैं अटूट प्यार तू प्यास तू झील है, मैं अटूट प्यास तू झील है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता प्रभु तेरे से। जब से दुनिया बनी हम माया और तू जीव शक्ति पराशक्ति और माया शक्ति तीनों इकट्ठे, कौन तुझसे अलग करे, मैं अटूट प्यास तू झील है, ना सबूत है ना तवील, कुछ नहीं है हमें, हमारे पास है कुछ नहीं प्रभु पर हमें तुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। अब महादेव ऐसी स्थिति बनी, हम तुझे याद कर रहे हैं, रात को तुम जब सपनों में आओ ऐसे लगो कि आंखें तो हमारी हटे ना। फिर प्रभु को आत्मा बताती है, मेरे दिल में थी उमंगे, मेरे दिल में थी उमंगे, मेरे दिल में थी तरंगे, मेरे दिल में थी तरंगे, मेरे दिल में चाहते थी, मेरे दिल में चाहते थी, मेरे दिल में थी उमंगे, मेरे दिल में थी उमंगे, मेरे दिल में थी तरंगे, मेरे दिल में थी तरंगे, मेरे दिल में चाहते थी, मेरे दिल में चाहते थी। प्रभु मेरे दिल में बहुत कुछ था, मैंने बड़ी बिल्डिंगें बनानी है, बहुत बड़े बंदे बनना है अपनी लाइन अपनी अपनी लाइन के, बड़े पैसे कमाएंगे, लंदन अमेरिका में दफ्तर बनाएंगे, बड़ी गाड़ियां रखेंगे, बड़ी उमंगे थी तरंगे थी, बड़ा कुछ था। अब बैठा मैं सोचता हूँ, अब बैठा मैं सोचता हूँ, कोई दूसरा ना आवे, कोई दूसरा ना आवे, अब मोरी जिंदगी में, अब मोरी जिंदगी में, अब मोरी जिंदगी में, अब मोरी जिंदगी में, तेरी जुस्तजू है दिल में, तेरी जुस्तजू है दिल में, तेरी आरज़ू है दिल में, तेरी आरज़ू है दिल में, थके निगाहें मोरी, थके निगाहें मोरी, तेरे मुख से जिंदगी में, तेरे मुख से जिंदगी में, न थके निगाहें मोरी, न थके निगाहें मोरी, तेरे मुख से जिंदगी में, तेरे मुख से जिंदगी में, तेरे मुख से जिंदगी में, तेरे
हमारे प्राण देवता भुगनी प्रभु को कह रही है, प्रभु जैसे ही तू आए तेरे जलवा देखा, जलवा दूर देखा हमने, इतनी बिजली चढ़ गई अंदर, धमाके हुए, पटाखे फूटे, सारी उमंगे तरंगे सब उड़ गई कीड़े मकोड़ों की तरह, आनंद आनंद छा गया, अंत सरसता के देर मिट गए महाकाल। इसलिए तू ही सबसे सुंदर है, अब तुम यहाँ टिके रहना, हटना मत। लेकिन ये स्वप्नों में आए प्रभु, तो अभी तो हम यहाँ चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, तो यहाँ आइए आप, परमात्मा को बुलाना है। प्रभु को कहते हैं बच्चे अच्छे हैं, मुझे बुला रहे हैं, अब सीधी बात हमारी महाकाल शिव शंकर को बुलाने की है। हम उसको बोलेंगे कि तू तो इतना बड़ा जादूगर है, लेकिन उस बुलाने से पहले ये बॉडी को उबासियाँ आ रही है, बुरा हाल है, इसलिए दो क्रिया करेंगे, पहले पहली क्रिया करेंगे गर्दन को हटाएंगे, उबासी जिसको आएगी उसको महापाप लगना है, आपको पहले बता दिया हमने, इसलिए बता रहे हैं कि हमारा जिंदगी तब तक निकली है। जो बात आपने सुनी सुनो, नहीं तो चुपचाप सावड़ी गली से निकल जाओ। प्रभु का वैसे ही कब नजर टेढ़ी होने कुछ पता नहीं लगता, ये भी आपको बताएं, बड़ी टेढ़ी नजर है इसकी, ये बेड़ा गर्क कर देता है फैमिलियों का। आपको नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर पार्टी पड़ते हैं नाम, सारे जेल में बैठे हैं, उधर बैठा है, तो प्रभु की नजर कब तगली हो जाए कुछ मालूम नहीं, इसलिए कोई बात नहीं लगी, कोई खतरा नहीं। और जल्दी से गला काके काके कुंभ क्या करो, सारी बॉडी के साथ जागृत हो जाए, सेफ्ट खुल जाए, नींद से भाग जाए, बड़ बम 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 जाने
शिव बड़ो ही जादूगर, बड़ो जादूगर शिव बड़ो जादूगर, मौत की भी मौत है ये बड़ो जादूगर, मौत की मौत है ये बड़ो जादूगर, काल का कलंदर है ये बड़ो जादूगर, काल का कलंदर है ये बड़ो जादूगर, मौत का मतंग है ये बड़ो जादूगर, मौत का मतंग है ये बड़ो जादूगर, नस नस बोले मेरी बड़ो जादूगर, नस नस बोले मेरी बड़ो जादूगर, शिव तू बड़ो जादूगर, शिव तू बड़ो जादूगर, बड़ो जादूगर शिव तू बड़ो ही जादूगर, बड़ो जादूगर शिव तू बड़ो जादूगर, कष्ट मिटाने वाला बड़ो जादूगर, कष्ट मिटाने वाला बड़ो जादूगर, पाप मिटाने वाला बड़ो जादूगर, पाप मिटाने वाला बड़ो जादूगर, बड़ो जादूगर शिव तू बड़ो ही जादूगर, बड़ो जादूगर शिव बड़ो जादूगर, बड़ो जादूगर बड़ो जादूगर, बड़ो बाजीगर बड़ो बाजीगर, हर हर महादेव हर हर महादेव, प्यारे महादेव प्यारे महादेव, अब प्रभु को कहना कि तू इतना जादूगर है, चींटी भी बनाता है, हाथ भी बनाता है, दुनिया सजाता है, तेरा क्या बिगड़ेगा, चुटकी मार के हमें ठीक कर दे, हमारे रोग मिटा दे, तू भी तो कुछ कर, हम तुझे बुला रहे हैं, तुझे आना पड़ेगा, पर इतनी जल्दी अष्टम शक्ति प्रकट नहीं होती, क्योंकि हमें आदत नहीं है, हमें उसको प्यार करने की आदत नहीं है, जहाँ खुद ही वहाँ खुदा आता नहीं है, हमारा घमंड नहीं टूटता, बस मैं ये हूँ, मन ने ऐसी कैसी बारी कर रखी है, कबाड़ा कर दिया इस बॉडी का, बचपन से मैं ये हूँ, छोटी सी कंपनी होगी वहां गोविंदपुरी में लिखा होगा कार्ड में चेयरमैन 15 कंपनियां लिखी होगी, ये बड़ी औकात है यार, मतलब हम बहुत लोगों को जानते हैं, ये लोग हैं प्रेसिडेंट 10 कंपनियों का प्रेसिडेंट है, बवाल रहता है बंदा, क्योंकि ईगो हमें छोड़ना पड़ेगा, जहां खुद ही वहां खुदा नहीं आने खा सकता है ना, तभी तो वेद कहते हैं भूल जा संगीत की तू दिल रुबा आवाज को, भूल जा माया के सारे सामान को, कहते भूल सब कुछ, जाने की जिंदगी के रात को, रात दिन चल रही श्वासों की ये घड़ी, सो हम सो हम सो हम, ना 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 ना, ये चल रही इसकी सरोवरता से तेरी नस नस बोले हरी हरी, अब पाना चाहता है अगर शिव के दीदार को, हाँ जी भाई साहब जा रहे हैं वहां पाने के लिए, पाना चाहते हैं तो मन मंदिर में फिर बिठा, मौत के मरा को, काल के महाकाल को, देव के महाकाल को बैठा इसको अंदर, और थोड़े मन के मन की मस्ती में छोड़ दे संसार को, थोड़ी देर के लिए, दो दिन के लिए छोड़ा, छोड़ दो दिल्ली को, भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको बता रहे हैं ये बात, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप भी बिजी हैं तो हम भी तो बिजी हैं, सारे बिजी हैं, इतनी बिल्डिंगें बना रहे हैं, इतने डेफिनेट रोड चला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रखे हैं, यहाँ खड़े हैं तो बोल रहे हैं, महाकाल के लिए बोल रहे हैं हम, आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, आपको बता दें आपकी आत्माओं के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम सोलमेट्स हैं सारे, इसी के पीछे प्यारे बच्चे हैं इसकी बगिया के, इसलिए बोल रहे हैं जोर जोर से कि मां का तू बुलवा देना, जो बनवाना बुलवा देना, तेरी जिम्मेवारी है, लाज रख लेना मेरी, इसको बोल देते साथ साथ, तो इसलिए इस मन मंदिर में बैठा दे मौत के अवतार को, जब वो बैठ जाएगा फिर रात फिर सुनाई देगी तुझको डबरू की गोटामरी, बगड़ बम बगड़ बम बगड़ बम बगड़ बम, किसी ने मोबाइल फोन पे फोटो भेजी थी आपकी, उसके अंदर बगड़ बम डामरी थी, पता नहीं किसने भेजी, आप किसने बिठाया, कौन था, वेरी गुड, जब किसी सिद्ध पुरुष की डेथ होती है उसकी लाश जलती है, उसमें धुआं जो निकलता है उसमें एक लाल सी रटाई चलती है ऐसे ऐसे, वो है बावड़ा बम बम बावड़ा बम बम बावड़ा बम बम बम, वो होती है महाकाल की डामरी, बजती है वो सुरूर करती है पांच तत्वों को, पांच दस प्राणों को, कि वेरी गुड यू आर डन गुड जॉब, है ना, तो अब जब महाकाल कृपा तुम्हारा दिखलाएंगे रात दिन स्वप्न तुझको शिव के ही आएंगे, शिव नाम की मस्ती रहेगी चढ़ी, देखना फिर खुद ही तेरी नस नस बोलेगी, बम बम हरी बम बम हरी बम बम हरी जय जय हरी जय जय हरी, अपने आप बोलेगी, फिर हमें कुछ नहीं करना, तो ये बात का भी हमें ध्यान रखना है कि परमात्मा जो है उसको तभी काम बनेगा जब ये मन को प्रभु की शरणागति करेंगे, तो कल जब हम वहां जाएंगे, आज तो प्रभु आए नहीं, अभी नहीं आए, अभी वो देख रहे हैं उसकी शैतानी शक्तियां आ गई, पहले ये क्या कर रहे हैं, इनका मन भटका दो, वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे ही बिठा दें, आपको ध्यान रखना है ये कर।
है ना, वो तो कोशिश करेंगे यार कहाँ फंस गए कहाँ थक गए यार आगे, उन्होंने तो यही कोशिश करनी है। याद रखना शैतानी शक्तियां पहले आ जाएंगी, उसी का वो भी उनका भी मान लिया भूत प्रेत का। तो आप यहाँ टेंशन होकर बैठ रहे हैं कि नहीं भाई बहुत हो गया, तुम जरा जरूर हो महादेव को आने दो, उसकी अष्टम शक्तियों को आने दो। उसके लिए हमें क्या करना है, कल जाके जब तैयारी इसलिए कर रहे हैं कल अपनी मनोकामना प्रभु को अर्पित कर देनी है। प्रभु हमें सब मालूम हो गया, तू जगत पिता है, तू ही सब कुछ है, अखंड ज्योति ब्रह्मांड नायक है, अघोरी बाबा है, तुम श्री नागराज है, अखंड करुणम था प्रचंडम है, सब तू है। हमें मालूम है कि तू हमारी मनोकामना सही ढंग से न्यायपूर्वक और शीघ्र पूरी करेगा, पर उतना विश्वास रखने का मौका तब पैदा होगा जब हमारी बॉडी जग जाएगी, जब हम सतगुरु को प्यार करने लग जाएंगे दिल से, है ना। मेरा सतगुरु आई एम इन लव विद यू, आई लव यू बड़े जादूगर, आई लव यू रैपर, दुनिया में आई लव यू कर करते थक गए कोई बड़ा नहीं, हम प्रभु को प्यार करते भाई को भी करना ये थोड़ा करना जैसे आपको बताने के लिए, इसलिए थोड़ा क्योंकि प्रैक्टिकल थोड़ा बनना पड़ता है लाइफ। हमें मदर क्यों अच्छी लगती थी, प्रैक्टिकल सेवा करी उसने, आज मार्केट में करंट लगता था 400 किलोवाट का, ये भी आपको बता रहे हैं, ये तो हम जैसा पढ़ा लिखा आदमी कभी काबू ना था उसके, हाथ लगा के एकदम ये क्या चीज है। इतनी सेवा करनी है कि प्रभु डरे, भगत की भी भक्ति करे बनवाई, तभी कृष्ण भगवान ने अर्जुन रथी बन गए, देखो आपके सामने ही है ना। तो इसलिए हमको कम से कम इतना प्यार करना है कि हमारी बॉडी के कष्ट तो मिट जाए, काल दर्द भी मिट जाए, अकाल मृत्यु दोष भी मिट जाए, दरिद्र दोष भी मिट जाए, ये दोषों का भी बादशाह है, सब कुछ यही है, है ना। बम बम भोले शंकर गले में नाक भयंकर, ये सब यही है, है ना। जब लोग प्यारे शिव का मंत्र कर जाएंगे, काल कलंतर बम बम भोले असली मंत्र, बड़ बम है असली यंत्र, सब यही है। इसके पहले तो ये विश्वास मन में टून कर लेना है कि यस आई एम गोइंग टू डू इट, तब हो जाएगा काम। तो जब अर्पित हमने कल भावना करनी है उसमें अब हम प्रभु कहते हैं जरा यार तू घूमा तो मोड़े दर, तू भी तो आ तुरंत आ, अभी आ, आज ही आ, अभी आओ। अभी हम देखो दिल्ली से आए हैं, बड़ी मुश्किल से, बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी शान से आए हैं, बड़े भाव से आए हैं, बड़े मान से आए हैं तेरे बच्चे बन के, प्लीज कम। तो आप भी तो आइए इधर थोड़ा, प्रभु को बोलते हैं, उसके लिए फिर विराग बनाते हैं, है ना। साढ़े वाल मुख जरा मोड़ रे प्यारिया, साढ़े वाल मुख जरा मोड़ रे प्यारिया, साढ़े वाल अख जरा खोल रे प्यारिया, साढ़े वाल मुख जरा मोड़ रे प्यारिया, साढ़े वाल अख जरा मोड़ रे प्यारिया। कुंडियां खोल रे प्यारिया, माया दियां बेड़ियां तोड़ रे प्यारिया, पापां दे कड़ियां नूं फोड़ रे प्यारिया, साडे वल अख जरा खोल रे प्यारिया, जरा मोड़ रे प्यारिया, साडे वल मुंह जरा मोड़ रे प्यारिया, साडे नाल दिल जरा जोड़ रे प्यारिया, साडे नाल दिल जरा जोड़ रे प्यारिया, साडे नाल टांका जरा जोड़ रे प्यारिया, साडे नाल टांका जरा जोड़ रे प्यारिया, अपने धाम दे ताले जरा खोल रे प्यारिया, अपने धाम दे ताले जरा खोल रे प्यारिया, साडे वल मुख जरा मोड़ वे प्यारिया, साडे वल मुख जरा मोड़ वे प्यारिया, साडे वल अख जरा खोल रे प्यारिया, साडे वल अख जरा खोल रे प्यारिया, मन विच शिव रस घोल रे प्यारिया, मन विच शिव रस घोल रे प्यारिया, आत्म विच होले होले शिव रस घोल रे प्यारिया, ये नौबत आ
सारे हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में, जापानी में, उर्दू में, किसी भी भाषा में बोल लो उनको समझ आता है। जगत पिता है, सर्व व्यापक है, अखंड ज्योति ब्रह्मांड नायक है, बहुत का मालक है, कोई घबराने की बात नहीं। और गोरी बाबा भी वही है, शब्दानी बाबा भी वही है ना, उसके प्रचंड रूप को भी याद करना है, लेकिन वो भोला बाबा है, फटाफट बात मान लेगा वो। कभी कहते हैं कि जो मौत है हमारी, मौत की शहजादी जब सब जज के आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी का काम आएगा, है ना। लेकिन जिंदगी जिया करती है मौत के सामने, हम हमेशा डरते रहते हैं मौत ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, हमें सूख हो रहा है, बीमारी हो गई, बीमारी होने की हमने बीमारियों को किया लव विद सुख, हमें बीमारियों से बड़ा तैयार हो गया। भाई साहब मेरे 3 स्टंट लगे, 4 ऑपरेशन हो गए, भाई साहब मेरे 2 ऑपरेशन हो गए, मेरा फैटी हो गया, अपनी शुगर हो गई, मैं सही टीके लगाता हूँ। कितनी शाम से आदमी बताता है, कभी वो ये नहीं बताता कि आज यार मैं पूजा आधा घंटे करी, मैंने यार 1 घंटा करनी थी, ये तो कभी बताता ही नहीं किसी को। जब तक हम पलटे भी मारे गए, हम ऐसे हैं, बेमुख हैं, ऐसे होना पड़ेगा। और फैक्ट आपको बताते हैं, हमारा एक्सपीरियंस क्या है, कोई बीमारी बॉडी की नहीं रह सकती। जहां महादेव अंदर आके बैठ गया, बड़ा पाप वहां रह नहीं सकता, पाप अंदर बैठाना प्रभु को, तू मेरा मैं तेरा, बस ऐसी स्थिति बनाने के लिए जो तो आपको लगाना पड़ेगा, है ना। उसके लिए प्रभु को तपना पड़ेगा, जपना पड़ेगा, शिव को जिसने पाया तब तब के पाया, जब जब के पाया, नहीं तो बात नहीं बनती है। हम महाकाल को माता रानी की बड़ी फरियाद भी कर देते हैं, तू भी बेचारी भाई विनती कर दे उसको, आ देना, अभी आए नहीं हो, अभी देख रहा है मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, बच्चे इस काबिल है कि नहीं है, है ना, क्या हम उसकी कसौटी को उतरने के काबिल है कि नहीं है। तो माता रानी का थोड़ा सा बुलाते हैं, जय माँ गुरुवर गुरुवर, जय माँ गुरुवर गुरुवर, जय माँ गुरुवर गुरुवर, जय माँ गुरुवर गुरुवर, मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ चाहिए, प्यारी माँ चाहिए, प्यारी माँ चाहिए, प्यारी माँ चाहिए, प्यारी माँ चाहिए, माँ तू कहाँ है, माँ तू कहाँ है, माँ तू किधर है, माँ तू किधर, माँ तू कहाँ है, माँ तू कहाँ है, माँ तू किधर है, माँ तू किधर है, मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ चाहिए। उन आत्मा जो माँ है ना, माँ, माँ देखो आसरा है, माँ जन्नत है, माँ सहारा है, माँ पट्टी है, माँ त्याग है, माँ जननी है, जगत माता है, माँ का विधान नहीं कर सकता कोई संसार में। तो ये जगत माता है, चंद्रमुखी माता है, जिसके स्वामी भी महाकाल है, अर्धनगेश्वर है, संसार पॉजिटिव नेगेटिव शक्तियों से चल रहा है, इनकी आराधना के बिना शिव को कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए माता रानी को विराग करना पड़ेगा। और आप कसम खाओ वहां मृत्युंजय में जाके कि जो आदमी लोग हैं वो घर में जितनी औरतें हैं उनकी इज्जत शुरू करें, इज्जत। कैंसर की बीमारी माँ के चरणों का पानी पीने से होती है, एस्ट्रो साइंस में, तो बंदे को पीना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आज तक उसने माँ को प्यार ही नहीं किया। हम कहते हैं घर जाके कोसा पानी करो, एक गिलास इसके माँ के जैसे चरण हो, चाहे जूता पड़ा हो, जूता उतारो डाल के उसको पीना पड़ेगा आपको, कैंसर ठीक कर लो, ये तो बोलो। तो माँ के पैरों की शक्ति देखो, गंगा, ये गंगा माँ की बात है, फिर उधर माँ की बात आई गाय माता की, देखो यहाँ तो गौरी माँ की बात है, हम तो गौरी माँ की बात कर रहे हैं। इसलिए उसको जब विराग में जलते हैं तो शरीर को हिला देते हैं, है ना। काली दुर्गे नमो नमः, 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 लक्ष्मी माता नमो नमः, लक्ष्मी माता नमो नमः, योग माया नमो नमः, योग माया नमो नमः, शेरों वाली नमो नमः, शेरों वाली नमो नमः, शैल पुत्री नमो नमः, शैल पुत्री नमो नमः, सिद्धदात्री नमो नमः, सिद्धदात्री नमो नमः, काली दुर्गे नमो नमः, काली दुर्गे नमो नमः, काली दुर्गे नमो नमः, काली
है माता रानी की शक्ति इधर ही घूम रही है सारी, उनके मंत्र भी हैं, आप सबको आते होंगे, ओम जयंती मंगला करी मदर करी कृपा नी दुर्गा क्षमा सेवा दात्री सुभाष सदा बचते ओम सर्व मंगल मंगलाए शिव स्वाहा साथ के सर्वे सर्व के गुणी नारायण नमस्ते। पर मंत्र जपते से काम नहीं बनेगा, क्योंकि मंत्र जो है अंडशंड भी हो सकता है, सीखना वो भी है हमने, लेकिन हमने माँ को भी बोल दिया कि बच्चा भोले शंकर को जरा सिफारिश लगा दो, लगा दिए और माँ का आ गए स्वागतम बाबा 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 हर हर महादेव हर हर महादेव। अष्टम शक्तियां आ गई, ये आपने प्रथम क्षण कर लिया, इनको नहीं दिखेगा क्योंकि चमड़े की आंखें नहीं देख सकती, इनको दवाई ना से देख सकती है, उसके अंदर रेड रेड हो गया सारा। ये आप कभी मेहनत करो हिम्मत करो फिर आपको न्यूट्रंस कैम जैसे दिखाएंगे, प्रभु आ चुके हैं, शक्ति आती है उसकी, प्रभु कोई जड़ी बूझ वाली चीज नहीं है, प्रभु तो भावना है, प्रभु तो तरंगे हैं, प्रभु तो वाइब्रेशन हैं जिससे सारा संसार चली जा रहा है, धनक धनक धना भोला नाचे, ये है प्रभु। तो प्रभु आ गया, अब प्रभु आ गए तो भगत क्या करेंगे, दिल भी बचाएंगे फूल भी बचाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, भक्तो फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, 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 मेरे महादेव आए हैं, मेरे महादेव आए हैं, भक्तो फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, भक्तो फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, उजाला हो गया देखो नूर इलाही आए हैं, उजाला हो गया देखो नूर इलाही आए हैं, जन्नत हिल गई सारी मेरे महादेव आए हैं, जन्नत हिल गई सारी मेरे महादेव आए हैं, फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, भक्तों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, पापों तुम भी शर्माओ ये बख्शन हार आए हैं, पापों तुम भी शर्माओ ये बख्शन हार आए हैं, भक्तों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, भक्तों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मानव नाचते सारे ये तो जनाबे आली आए हैं, मानव नाचते सारे ये तो जनाबे आली आए हैं, देवा नाचते सारे जनत के वाली आए हैं, देवा नाचते सारे जनत के वाली आए हैं, डमरू बज उठे सारे मेरे महादेव आए हैं, डमरू बज उठे सारे मेरे महादेव आए हैं, फूल खिल गए सारे जनत के वाली आए हैं, फूल खिल गए सारे जनत के वाली आए हैं, मरगट बुज गए सारे ये तो महादेव आए हैं, मरगट बुज गए सारे ये तो महादेव आए हैं, मरगट बुज गए सारे ये तो मृत्युदेव आए हैं, मरगट बुज गए सारे धरती हिल गई सारी ये तो महाकाल आए हैं, धरती हिल गई सारी ये तो महाकाल आए हैं, भक्तो प्राण पीछा दो ये तो प्राणधार आए हैं, भक्तो प्राण पीछा दो ये तो प्राणधार आए हैं, भक्तो फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, भक्तो फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, जन्नत खिल गई सारी जनत के वाली आए हैं, जन्नत खिल गई सारी जनत के वाली आए हैं, भक्तो फूल बरसाओ मेरे महादेव आए हैं, भक्तो फूल बरसाओ मेरे महादेव आए हैं, मेरे महाकाल आए हैं, मेरे महाकाल आए हैं, मेरे भोलेनाथ आए हैं, मेरे भोलेनाथ वाली आए हैं, जग के वाली आए हैं, हर
का स्वागत कर दिया। स्वागत तय दिल से करना है, दिल से करना है, क्योंकि हम चेतन सत्ता है, प्रभु हमारे अंतःकरण में स्थित है। हम और प्रभु अलग कभी हो ही नहीं सकते, हम दोनों इकट्ठे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि माया बीच में आ जाती है, यहाँ सब ग्रो कर देती है। जिनके घरों में झगड़े हैं, प्रॉब्लम है, बिजनेस की प्रॉब्लम है, बच्चों की शादी नहीं हो रही, उनका ये ब्लॉक है, सोल ब्लॉकेज। रात को खुलता है, जब हम सो गए खुल जाता है, तब जिंदा है। लेकिन सारा दिन हम खुद ही पे चलते रहते हैं, मेरी इतने करोड़ की ठंड वगैरह, मैं ये हूँ, मैं आपको उड़ा दूंगा, मैं आपको मार दूंगा, ये मन का क्रिया सारा। हम मन के गुलाम बन के कब तक जियेंगे? महादेव आ गया, कहता बेटे चलो ठीक है मैं आ जाता हूँ, शिव आए हैं सुराई लेके, अब पीने का तो इंतजाम करो। पीना किसने भैया? इस शरीर में? अरे शरीर तो मेरा तैयार ही नहीं, शरीर तो चमड़े का है, ये तो कुछ भी नहीं है। अब शरीर में ट्रेन और सेल्स है, सब कुछ है इसके अंदर। तो अब शरीर को पहले तो सारे शरीर को प्यार करना सिखा देते हैं, इसको प्रीतम के रूप में प्यार कर सकते हैं, है ना, इसको हम किसी भी विराग में कर सकते हैं। अब इसको हम ढोलना के रूप में प्यार करते हैं, सारे शरीर को हिला देते हैं, म्यूजिक सिस्टम भी बना सकते हैं, कुछ भी बना लो। कभी कभी हम तुम्बा बना देते हैं, कभी बाजा बना देते हैं, कभी सितार बना देते हैं, कभी गिटार बना देते हैं, इसको ढोलना बना देते हैं। ढोल ढोल डन ढोल ढोल डन ढोल ढोल डन ढोल 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 बोल बोलना मेरे ढोलना ओ मेरे साहिबा ओ मेरे साहिबा तू मीठे मीठे बोल बोलना तू मेरे ढोलना ओ मेरे ढोलना ओ मेरे साहिबा ओ मेरे साहिबा। प्रभु कहते हैं कि तुम अभी देख रहे हो, कोई बात नहीं, जब हम सो जाएंगे तब आ जाना सपनों में। क्यों? क्योंकि ढोल ढोल डन 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 ढोल बॉडी और आत्मा सारी क्या बोलती है कि तुझको आना होगा, तुझको आना होगा, वादा निभाना होगा, वादा निभाना होगा, मेरी मौत से पहले आना होगा, मेरी मौत से पहले आना होगा, डमरू मुझे सुनाना होगा, डमरू मुझे सुनाना होगा, छाती से लगाना होगा, छाती से लगाना होगा, अपना जलवा दिखाना होगा, अपना जलवा दिखाना होगा, पर मौत से पहले आना होगा, पर मौत से पहले आना होगा। ये ढोल ढोल डन ढोल ढोल डन ढोल खोलना मेरे कष्ट
कष्टों की बुद्धि खोलना, मेरे कष्टों की बुद्धि खोलना, मेरे पापों के घड़े को फोड़ना, मेरे पापों के घड़े को फोड़ना। भगवान आत्मा ने डरंट पूजा, ढोल ढोल ढंडोल ढोल ढंडोल ढोल
ये तो ये चक्कर है हमारे बॉडी के अंदर, छोटी छोटी पगड़ी घूम रही है टेढ़ी टेढ़ी, उनको चक्कर कहते हैं स्पिरिचुअल साइंस। उनको साथ हमने थोड़ा सा टच किया, अब इसको समझाया हे मन आप तो गलती मत करना, आज तेरे को मौका मिला है तू भी अपना उद्धार कर ले, क्योंकि हमारे को देखो कितना दोष भी लगा हुआ है ना, हमारी बॉडी में जितने सेल हैं उसमें 30% हमारे नेगेटिव सेल हैं जो पितर है, उन्होंने ही परेशान कर रखा है सारी दुनिया को, सारी दुनिया से परेशान है, पितर कहता है मेरी पूजा करो मेरा कल्याण करो, करते नहीं, उनका काम खराब हो जाता है। आज मन को कहते हैं आज गलती मत करना, आज तू हाजिरी लगा लेना। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, हनुमान नारायण नारायण हरि हरि, हनुमान नारायण नारायण हरि हरि, माता नारायण नारायण हरि हरि, माता नारायण नारायण हरि हरि, सीता नारायण नारायण हरि हरि, सीता नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, सबको प्यारी प्यारी, तेरी लीला सबको प्यारी प्यारी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हनुमान 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 नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, तुझ में 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 नारायण नारायण हरि हरि, शक्ति नारायण नारायण हरि हरि, शक्ति नारायण नर नारायण नारायण हरि हरि, नर नारायण नारायण हरि हरि, नारी नारायण नारायण हरि हरि, नारी नारायण नारायण हरि हरि, हनुमान नारायण नारायण हरि हरि, हनुमान नारायण नारायण हरि हरि, मन के संकल्पों को शांत करने के लिए, मन को सही दिशा दिलाने के लिए विष्णु हरि की हमने कृपा मांगी, बालन राजराज को ठीक रखना, महादेव आ चुका है, उसकी बरोड हमें मिल जावे, उसकी ललाट हमें मिल जावे, हमारा शरीर उसके कठोरा घात को नहीं सह सकता है, तू पालन हार है, ऐसी कृपा करना कि मन भी आज थोड़ा शांत रहे। तो अभी की हरि की एक क्रिया करते हैं, फिर आगे चलते हैं। श्री नारायण हरि, श्री नारायण हरि, श्री नारायण हरि, हरि नारायण हरि, हरि नारायण हरि, श्री नारायण हरि, श्री नारायण हरि, भोले नारायण हरि, भोले नारायण हरि, भोले नारायण हरि, भोले नारायण हरि, श्री नारायण हरि, श्री नारायण हरि, भजो नारायण हरि, ओम तत् सत्, हरि ओम तत् सत्। एक हमने दुर्गा माँ सारी माताओं की कृपा मांगी, एक हमने विष्णु हरि की भी कृपा मांग ली,
तेरा भोग छने मित्रों छह वर्ण छने बाप का मंदिर सारी देवी देवता हो आज हमारी मदद करना हो समुद्र बस में देवी पर बस्तन मरते विष्णु पत्नी नमस्त के पास प्रदक्षिण समझो हे पृथ्वी माता आज हमारी मदद करना हमारा होश ठीक रखना हम प्रभु की कसौटी में उतर सके ऐसी स्थिति बनाना कि हम तैयार कर लें अपनी बॉडी को हमें थोड़ा बहुत इधर लाख हम मिल जाए कल जाके उसी की तैयारी के लिए हम यहाँ बैठे हैं अपने मन ही मन में आपने भाव भाई पर क्या पैदा करनी है क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं प्रभु कह रहे हैं भाव का भूखा हूँ मैं भाव से जो मुझे बुझे वो भूखो ही हुए भक्त से पार उसके बिना कुछ नहीं होना वहाँ पे बेल पत्र चढ़ा लो पानी चढ़ा लो जल चढ़ा लो उससे शिव की आराधना नहीं पूरी होनी जब तक मन में तन में घट में पट में मन के महादेव के लिए सच्ची भावना नहीं महादेव की आराधना पूरी होनी नहीं इसलिए हम उस भाव में प्रज्ञा के लिए यहाँ बैठे हैं अब जल्दी से दूसरे शरीर में जाते हैं ये दिल है सूक्ष्म शरीर तो प्रभु को बोलते हैं प्रभु अभी तुम आ गए हो दिख रहे हो रूहानी आंखों को दिख रहे हो बाकी को नहीं दिख रहे कोई बात नहीं मान लेते हो आप इधर हो क्योंकि आप ही जगत पिता हो तो प्रभु क्या बोलते हैं अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं अभी न जाओ छोड़ के कि दिल ना जाओ छोड़ के जुगनू अभी जगा नहीं अभी ना जाओ छोड़ के जुगनू अभी जगा नहीं अभी ना जाओ छोड़ के डमरू अभी सुना नहीं अभी ना जाओ छोड़ के डमरू अभी सुना अभी ना जाओ छोड़ के जल अभी चढ़ा नहीं अभी ना जाओ छोड़ के जल अभी चढ़ा नहीं अभी ना जाओ छोड़ के घट अभी खिला नहीं अभी ना जाओ छोड़ के घट अभी पाप भी मिटा नहीं पाप भी मिटा नहीं दुख अभी गया नहीं दुख अभी गया नहीं ये डर अभी भगा नहीं ये डर अभी भगा नहीं तेरा वंदन अभी किया नहीं जाओ छोड़ के अभी ना जाओ छोड़ के विभोर अभी मिला नहीं विभोर अभी मिला नहीं प्यास अभी बुझा नहीं प्यास अभी बुझा नहीं अभी ना जाओ छोड़ के अभी ना जाओ जुगनू अभी जगा नहीं जुगनू अभी जगा नहीं प्रभु कहते हैं कि हम तेरे मीठे प्यारे बच्चे हैं तू भी इस बात को मानता है यू आर आवर डिवाइन फादर एंड मदर यू क्रिएटेड अस आई नेवर वांट टू बी क्रिएटेड अब मैंने मान भी लिया कि तू मेरा जगत पिता है गुणी बाबा है अखंड ज्योति ब्रह्मांड नायक है सर्वस्त्र है सब कुछ है तो अब तू जा नहीं सकता मेरा दुख मिटा किसी तरीके से मेरे पाप मिटा मेरे मन को सुधार के जा अंदर की जोत जगा अंतर के अंधेरे मिटा मुझे तो वो कहना ही करना है मुझे तो वो रूहानियत का प्रकाश दिखा के जा चाहे चल सपनों में यार ये बात मान लेते हैं पर तुझे आना होगा क्यों आना हो गया प्रभु आत्मा बोल रही है कि मैं तेरे को इतना प्यार करती हूँ प्रभु अब मुझे होश आ गई कि मैं और तू एक हो गया अब वो क्या स्थिति बनेगी फिर उनको विराट में जाना पड़ेगा फिर ग्रह करेंगे दो दिन विराट करते हैं
रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा हो गई। रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा हो गई। रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा हो गई। रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा हो गई। हर कोई मैनू रांझा कहना हीर न कहना कोई। हर कोई मैनू रांझा परमात्मा को बोल रही है। रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा हो गई। रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा हो गई। जोगी जोगी कर दी मैं आपे जोगी हो गई। जोगी जोगी कर दी मैं आपे जोगी हो गई। हर कोई मैनू जोगी कहना जोगन ना कहना कोई। हर कोई मैनू जोगी कहना जोगन ना कहना कोई। बड़े नूरा 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 कहंदी मैं आपे नूरा हो गई। नूरा नूरा कहना सबको मैनू नूरा कहना नूरी ना कहना कोई। सबको मैनू नूरा कहना नूरी ना कहना कोई। नूरी ना कहना कोई। नूरी ना कहना कोई। राजा 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 कर दी मैं आपे राजा हो गई। राजा कहना हीर न कहना कोई। हर कोई मैनू राजा कहना हीर न कहना कोई। मेरे अंदर रांझा रहंदा। मेरे अंदर रांझा रहंदा। मैं रांझे दे अंदर। मैं रांझे दे अंदर। बस होर ख्याल न कोई। बस होर ख्याल न कोई। जो मेरे दिल में रहंदा। जो मेरे जात मोरी होई। मोरी जात मोरी होई। बाबा बोले प्यारे बाबा। बाबा बोले प्यारे बाबा। बाबा बोले न्यारे बाबा। बाबा बोले न्यारे बाबा। अब मैं रांझा होई। अब मैं रांझा होई। अब मैं रांझा होई। अब मैं रांझा होई। मैं तेरे विच तू मेरे विच। मैं तेरे विच तू मेरे विच। बुद्धि होई। एक ही बुद्धि होई। एक ही बुद्धि होई। एक ही बुद्धि होई। रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा हो गई। रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा हो गई। हर कोई मैनू रांझा कहना हीर न कहना कोई। हर कोई मैनू रांझा कहना हीर न कहना कोई। आत्मा परमात्मा कहती है कि जो तेरा नाम होगा रैगर होगा तुझे रैगर बोलो, जोगी है तो जोगी बोलो, राजा तो राजा बोलो। तो मैं आपको वही ना बस इतना प्यार करना प्रभु को। इतनी प्यार, प्यार का भी प्यार, जैसे ये मौत की भी मौत है, नींद की भी नींद है। इसको जब प्यार हो जाए तो नींद उड़ जाती है, नींद डरती है, मौत भी डरती है, सब डरते हैं इससे, सब डरते हैं। इसलिए यही मंदिर का बादशाह है, यही शक्ति के पास हम जा रहे हैं। हमारा पूरा मन को पूरा ये जो मन जबड़ कर देना, इसको अच्छी तरह समझा देना है कि भैया कल वहां जाके भटकना नहीं, एक सेकंड के लिए जब प्रभु के रूप को देखो बस काफी है। ज्यादा चक्करों में पड़ने कर्म कांड की जरूरत नहीं है शिव योगी को। शिव योगी को तो हकीकी प्यार करना है, प्रभु मेरा है तेरी बात खत्म। बीच में कौन है? ये थालियां थोड़ी जो आती है ना बीच में, वो गड़बड़ कर देती है सारी, कर्म कांड के लिए होती है। उससे थोड़ा बचना है जितना बच सको, क्योंकि इतना शरीर हमारा कल्टीवेट नहीं होता। हम पूजा तो करते नहीं कि बॉडी की पार्टिसिपेशन पूजा में होती नहीं। देखो इतने साल दे दिए तो आप जला रहे हैं, धूपबत्ती जला रहे हैं, खंड पाठ कर रहे हैं, साई संध्या कर रहे हैं, फिर बीमार तो हैं, फिर कुछ काम को नहीं बन रहे। इसके लिए नहीं बन रहे कि पूजा हमारी एक्सेप्ट नहीं हो रही। उसको एक्सेप्ट करने के लिए ये सारा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। अब तीसरे शरीर पे पहुंचते हैं, उधर प्रभु देख रहा है
तो बच्चे बॉडी को एक्टिवेट कर रहे हैं, देव कर रहे हैं, फिर उसको भोपाल देनी पड़ेगी। अब शरीर जो चीज रहा है ये नाभि का है, जहाँ से हम पैदा होते हैं इसको नाभि कमल कहते हैं, पहले है तो ये शरीर की क्रिया बोल होंगे, यहाँ नाभि में जोर से दबा के ऊ का बुला मारो, जब तक बॉडी अकड़ी पड़ी होगी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए दो क्रियाएं लंबी करेंगे, मुंह सांस लेके लंबा हाथ, बार बार तू याद करा रहे हैं आत्मा बॉडी, बॉडी मैं तेरे लिए कर रही हूँ सारा काम, क्योंकि बॉडी थोड़े टाइम के लिए मिली है, बॉडी में जितने भी सेल हैं हर सेल में हम बैठे हैं, पहले ये बात हमारे मन में आनी चाहिए कि हम हर सेल में हैं, हर सेल में हम हैं पूरे, तो इसलिए उन सारे सेलों को आपको करनी है पूरा, है ना। आप जल्दी से इस पे क्या बयान करते हैं, ये शरीर का हालत क्या है शरीर की, तो सारे को समझा देते हैं कि एक दिन मुझे दुनिया से जाना है, तो इस पर होश में है, जब छोड़ जगत सजाना है, जब छोड़ जगत सजाना है, महल बनाऊं किसके लिए, सजदे सजाऊं किसके लिए, जब छोड़ जगत सजाना है, बनाऊं किसके लिए, सजदे सजाऊं किसके लिए, मैं रिश्ते बनाऊं किसके लिए, मैं प्रेम बढ़ाऊं किसके लिए, जब छोड़ जगत सजाना है, महल बनाऊं किसके लिए, मैंने जग को आजमाया है, अपनों से ही धोखा खाया है, हर तरफ से धोखा मिलता हो, तो रिश्ते बनाऊं किसके लिए, प्रेम बढ़ाऊं किसके लिए, स्वार्थ की ये दुनिया है, स्वार्थ की ये दुनिया है, स्वार्थ का जमाना है, स्वार्थ का जमाना है, स्वार्थ की इस दुनिया में, स्वार्थ की इस दुनिया में, मैं प्रेम बढ़ाऊं किसके लिए, मैं प्रेम बढ़ाऊं किसके लिए, मैं रिश्ते बनाऊं किसके लिए, मैं रिश्ते बनाऊं किसके लिए, बगिया सजाऊं किसके लिए, मैं बगिया सजाऊं किसके लिए, मैं जन्नत सजाऊं किसके लिए, मैं जन्नत सजाऊं किसके लिए, जब छोड़ जगत असा जाना है, जब छोड़ जगत असा जाना है, एक दिन असा मर जाना है, एक दिन असा मर जाना है, एक दिन असा तुर जाना है, एक दिन असा तुर जाना है, प्यार बढ़ाऊं किसके लिए, तो प्यार बढ़ाऊं किसके लिए, भाई भाई को जहर पिलाता है, भाई भाई को जहर पिलाता है, बच्चा माँ को मरवाता है, बच्चा माँ को मरवाता है, उसका खून थक पी जाता है, उसका खून थक पी जाता है, शिव ऐसी तेरी दुनिया में है, शिव ऐसी तेरी दुनिया में, रिश्ते बनाऊं किसके लिए, रिश्ते बनाऊं किसके लिए, प्रेम बढ़ाऊं किसके लिए, प्रेम बढ़ाऊं किसके लिए, जब छोड़ जगत दूर जाना है, जब छोड़ जगत दूर जाना है, तो रिश्ते बनाऊं किसके लिए, तो रिश्ते बनाऊं किसके लिए, प्रेम बढ़ाऊं किसके लिए, प्रेम बढ़ाऊं किसके लिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हालत ये है कि भाई भाई का दुश्मन है, हम चांद पे जाने के तो सपने देखते हैं, पड़ोसी को जानते नहीं, सारे दुनिया में हमारे दोस्त हैं, उनकी डायरी लंबी चौड़ी है, उनको मैसेज भेजते हैं,
ऊपर में भाई नीचे, भाई इधर भाई उधर, पता है ये कलयुग की दुनिया में हम माँ का कैसे प्यार करें किसी को पता। प्रभु से बातचीत भी करनी है, प्रभु को थोड़ा डांटना भी है, तुम्हारा भी हक है, पोता है हमारा बड़ा पापा है, भैया ये क्या दुनिया तुमने बनाई है, अगर तुम्हें हमें मारना ही था, शमशान घाट में जलाना ही था, 20 मन लकड़ों के साथ हथी में चढ़ाना ही था तो पैदा क्यों किया, ये भी तो अगर जान देता कोई बंदा मिला देता हमको राइट टाइम पे जो हमें समझा देता और ये मन मान लेता, आनंद के लिए पैदा हुए हम, संचित कर्मों का निर्जरा करने के लिए पैदा हुए, ये तुमने बताया ही नहीं। प्रभु को भी थोड़ी शिकायत लगा रही है, यही कन्फेशन है प्रभु के साथ। तो पहले आपको कहा 24 पॉइंट में आएगा कितनी बार प्रभु से बातचीत की, कितनी बार कन्फेशन करा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, ABC नहीं आता, गले लगाने पाता कुछ नहीं आता मुझे, भैया मंत्र मुझे नहीं आते, पूजा मुझे करनी नहीं आती, पर आंखें तो बंद करनी आती है, प्रभु कहते हाँ जी आंखें बंद कर, अंदर की रूहानियत दे, प्रत्याहार कर, अंदर उतर, अस्मता के अंधेरे मिटा, अंदर की यात्रा कर, अंदर की यात्रा करेगा तो करोड़ों सूरज जितना प्रकाश दिखेगा रूहानियत का, ये बाहर का सूरज अंदर के प्रकाश नहीं मिटा सकता, अंधेरे अंदर का सूरज जगाना पड़ेगा, उसके लिए फिर मेडिटेशन करनी पड़ेगी, मेडिटेशन इज द डेथ ऑफ माइंड, डायरेक्ट मेडिटेशन करनी पड़ेगी, रोज मन को देखना पड़ेगा, मन को लगाना कहीं भी नहीं, शराली घोड़ा ही है लगाना नहीं इसको, कहीं देखना बस देखना देखना, थोड़े दिन भागेगा इधर उधर, लगना नहीं मन, लगाना भी नहीं, जो लग गया वो मन भी नहीं और अगले लगाना भी नहीं, हमें इसको देखना है, इनर टेक्नोलॉजी को जगाना है, बस IT जिसको कहते हैं, सबसे बड़ी वो यात्रा है आत्म यात्रा, इनर स्प्लेंडर सबसे बड़ी यात्रा दुनिया की आत्म यात्रा, बाहर दुनिया जितनी घूम जाओ अच्छी बात है, वो तो परमात्मा की दुनिया है, क्योंकि जिसपे अशार के देखो चांद तारे सूरज सारे ग्रह नक्षत्र डर रहे हैं उससे, उसके डंडे से सब चल रहे हैं राइट टाइम पे चल रहे हैं सब, हम भी मूर्ख हैं, हंजर खा खा के माया के कभी बाज नहीं आते, तो जब के चांद तारे सूरज पृथ्वी सारे उसकी एक चांद से भी देखो हटते नहीं है, अरे हम उस शिव की हम बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के सारे, तो अब तीनों शरीरों को हमने टच किया, अब शरीर को टच किया, पहले महाकाल पुष्प कर तू भी दया कर, थोड़ी हम उसको प्रार्थना करते हैं, हे जग पिता हे जग प्रभु, 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 मुझे अपने नाम का दान दो, मुझे अपने नाम का कान में खूब मार दी, बता बेटे तुझे चाहिए क्या, तू क्यों शोर मचा रहा है, तू चू कर रहा है, तो हमने ये कहा प्रभु का, हे जग पिता हे जग प्रभु, हे जग पिता हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो, मुझे अपने नाम का दान दो, मुझे ज्ञान दो और ध्यान दो, मुझे मंद मन की लगाम लो, मंद मन की लगाम लो, हे जग पिता हे जग प्रभु, हे जग पिता हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो, मुझे अपने नाम का दान दो, तेरी भक्ति शक्ति से बल मिले, तेरी भक्ति शक्ति से बल मिले, मुझे धौर्य शक्ति अटल मिले, मुझे धौर्य शक्ति अटल मिले, जो मिले विश्वास अटल मिले, जो मिले विश्वास अटल मिले, मुझे ऐसी ऊंची उड़ान दो, मुझे ऐसी ऊंची उड़ान दो, जग पिता हे जग प्रभु, हे जग पिता हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो, मुझे अपने नाम का दान दो, मेरे रंग में तेरा ही रंग हो, मेरे रंग में तेरा ही रंग हो, मेरी जान जन तरंग हो, मेरी जान जन तरंग हो, मुझे लोग मोह से उभार दो, मुझे लोग
किसी के काम तो आ सकूं, मैं किसी के काम तो आ सकूं, मैं किसी को अपना बना सकूं, मैं किसी को अपना बना सकूं, मुझे ऐसा प्यार महान दो, मुझे ऐसा प्यार महान दो, हे जग पिता हे जग प्रभु, हे जग पिता हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो, मुझे अपने नाम का दान दो, मेरा सरल सोज व्यवहार हो, मुझे भेदभाव से तार दो, मुझे भेदभाव से तार दो, मेरा हर किसी से प्यार हो, मेरा हर किसी से प्यार हो, मुझे ऐसी शरण हे जग प्रभु, हे जग पिता हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो, मुझे अपने नाम का दान दो, मुझे ज्ञान दो मुझे ध्यान दो, मुझे ज्ञान दो मुझे ध्यान दो, मुझे मान दो सम्मान दो, मुझे मान दो सम्मान दो, पर अपने नाम का दान दो, पर अपने नाम का दान दो, मुझे दान दो बस दान दो, मुझे दान दो बस दान दो, हे जग पिता मुझे दान दो, हे जग पिता मुझे दान दो, मुझे अपने नाम का दान दो, मुझे अपने नाम का दान दो। प्रभु ने पूछा, कानों में हमने लगा दिया कि हमें तुम मान दो सम्मान दो, तुम हमें कितना भी पटाओ माया के थ्रू, पद्म भूषण दे दो, गिन्नी गुण भूख में नाम करा दो, उसे मिला दो, वो करा दो, कुछ नहीं होने वाला, मैं फंसने वाला नहीं हूँ, तुम जो देना देते रहो, पर अपने नाम का दान दो, मैं क्रिया भी करते हैं, चलो। हे देवा भिक्षा दे, हे देवा भिक्षा दे, हे देवा भिक्षा दे, हे देवा भिक्षा दे, हे त्रि देवा भिक्षा दे, हे त्रि देवा भिक्षा दे, हे आदि देवा भिक्षा दे, हे आदि देवा भिक्षा दे, हे महाकाल भिक्षा दे, हे महाकाल भिक्षा दे, हे भोलेनाथ भिक्षा दे, हे भोलेनाथ भिक्षा दे, हे त्रि देवा भिक्षा दे, हे त्रि देवा भिक्षा दे, हे भूतनाथ भिक्षा दे, हे भूतनाथ भिक्षा दे, हे शंभुनाथ भिक्षा दे, हे शंभुनाथ भिक्षा दे, भिक्षा दे, भिक्षा दे। देखो, जब प्रभु को हम हाथ दिखाते हैं तो हम उसको बोल भी सकते हैं ना, कई बार हम विराग आपको बुलाते हैं कि महाकाल ये जो मेरे हाथ की लकीर बदल है ना, कर दे तो कलाश दे साइया के, कट दुखा दिया जंजीरा नु, सानू पता बदल तो सकता है, साडे हाथ दिया लकीरा नु, साडे माथे दिया लकीरा नु, साडी रूह दिया तकदीरा नु, साडी जिद दिया तकदीरा नु, सब तू बदल सकता, हम पता लग गया तेरे को छोड़ने वाले हम नहीं है। प्रभु तो खुश होता है यार, बचाल साहब जानता है मेरी बात, भाई जब ब्याह शादी करते हैं तो चेकिंग करनी चाहिए, तो प्रभु को भी तो चेकिंग करनी है, लेकिन प्रभु खुश हो रहा है आप धीरे धीरे, अब इसकी बम लहरी गाते हैं, सारे जब लोग बम लहरी, सारे जब लोग बम लहरी, हम बम लहरी, हम बम लहरी, भोलेनाथ की बम लहरी, भोलेनाथ की बम लहरी, महाकाल की बम लहरी, महाकाल की बम लहरी, हम बम लहरी, हम बम लहरी, महाकाल की बम लहरी, महाकाल की बम लहरी, हम भोले बम लहरी, हम भोले बम लहरी, हम जोड़कर करो वंदना, हम जोड़कर करो वंदना, आत्म चिंतन किया करो, आत्म चिंतन किया करो, नाटका किया करो, नाटका किया करो, नाटका किया करो, नाटका किया करो, नाटका
का किया करो, प्राण दान का किया करो। सारे जगलो बमले री, सारे जगलो बमले री, बम बम बमले री, बम बम बमले री, बम बम बोले बमले री, बम बम बोले बमले री, हर हर बोलो बमले री, हर हर बोलो बमले री, बड़ बम है 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 बमले री, मिट्टी मिट्टी बमले री, मिट्टी मिट्टी बमले री, यारी यारी बमले री, यारी यारी बमले री। हमारी तलाश बदल गई प्रभु,
हमें समझ आ गई कि तेरे बिना हमारा गुजारा नहीं, तेरे बिना ये जीवन नरक है, पशु समान है। हम अनादि काल से अब तक भटक गए थे, हमारी आत्मा का बड़ा गर्व हो गया था, लेकिन अब हमारी कुछ सफाई कर दे, अंदर पूरा कोई गंदा विचार ना रखना, ताकि रात को सपनों में हमारा सोल कॉन्शियसनेस बढ़ जाए, हमारी आत्मा को आत्मबल मिले, पनिशमेंट से ट्रांसफॉर्मेशन की ओर जाए और हम आत्म विजेता बने, कल जब जाए तो हमें उसकी भगोर मिल जाए। इसलिए प्रभु हमारी तलाश कर ली है। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय महादेव, जय गुरुदेव, जय जय महादेव। है कैलाश तेरी मुझे तेरी दुष्ट जो है, मुझे है कैलाश तेरी मुझे तेरी दुष्ट जो है, मुझे तेरी है तमन्ना मुझे तेरी आरजू है, मुझे तेरी है तमन्ना मुझे तेरी आरजू है। किस काम का ये जीवन तुझे प्यार कर सकाना, किस काम का ये जीवन तुझे प्यार कर सकाना, आँखों से ही रिझाया तुम्हें दिल में ना बिठाया, आँखों से ही रिझाया तुम्हें दिल में ना बिठाया, तुम दिन अंधेरी दुनिया संसार आरजू है, तुम दिन अंधेरी दुनिया संसार आरजू है, संसार आरजू है, संसार आरजू है। बता रहे हैं कि तुम इन सब कुछ बकवास है, तुम्हें आंखों आंखों से देखते रह गए, चमड़े की आंखें ये मांस की आंखें कुछ नहीं कर सकती, थोड़ा देख सकती है बस, प्रभु इसी में धोखा खा गए। लेकिन अब हमें अकल आ गई, आंखों में हो तसव्वुर, आंखों में हो तसव्वुर, दिल में हो याद तेरी, दिल में हो याद तेरी, तेरी याद की महक से, तेरी याद की महक से, ये दुनिया मेरी, ये दुनिया मेरी, ये दुनिया मेरी, ये दुनिया मेरी, दौलत भी मेरी तू है, दौलत भी मेरी तू है, दुनिया भी मेरी तू है, दुनिया भी मेरी तू है, दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, वो दिल नहीं हो पैदा, वो दिल नहीं हो पैदा, इसमें लगन तुम्हारी, इसमें लगन तुम्हारी, बर्बाद जिंदगी है, बर्बाद जिंदगी है, बेचैन रूप बेचारी, बेचैन रूप बेचारी, बेचैन रूप बेचारी, बेचैन रूप बेचारी। इसमें विराग कहता है कि दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है, जीव जंतु मच्छर से लेके हाथी तक, अजगर तक, शेर तक, जिसको जान प्यारी नहीं है, सब तेरे को प्यार करना चाहते हैं। वो दिन नहीं हो पैदा जिसमें लगन तुम्हारी, बर्बाद जिंदगी है, बेचैन रूह बेचारी, सबकी रूह बेचारी है, धमक धमक कर रही है, धनक धनक मेरा बोला नाचे कर रही है। इसीलिए जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय महादेव, जय गुरुदेव, जय जय महादेव, क्योंकि सतगुरु ही है ज्ञान का दाता, सतगुरु ही है ज्ञान का दाता, जो रूह को रब से मिलाता, जो रूह को रब से मिलाता, तन मन धन से करे जो सेवा, तन मन धन से करे जो सेवा, वो ही अभे पद पाता, वो ही अभे पद पाता, प्रेम की घंटी बांध गले में, प्रेम की घंटी बांध गले में, शब्द भेद समझाता, शब्द भेद समझाता, प्रेम की घंटी का मतलब जैसे कल मंदिर में जाओगे पहले घंटियां मारनी है कि मन को फटाओ, इतने से बड़े घंटे थे छोटी घंटियां रह गई, घंटी का मतलब टन टन टन, मन को छोड़ना पहले। प्रेम की घंटी देखो मंदिर में बांधी हुई है, प्रभु हमारे लिए बांधी हुई है, प्रेम की घंटी बांध गले में, शब्द भेद समझाता, पक्का रंग चढ़े मन चोला, पक्का रंग चढ़े मन चोला, झूठा रंग उड़ाता, झूठा रंग उड़ाता, झूठा रंग उड़ाता, झूठा रंग उड़ाता, छोड़ के शंका भेद भ्रम की, छोड़ के शंका भेद भ्रम की, ओए हर्ष उल्लासा, ओए हर्ष उल्लासा, ओए हर्ष उल्लासा, ओए हर्ष उल्लासा, यमगासन नैन तिलक रे, यमगासन नैन तिलक रे, जपा जाप जपाता, जपा जाप जपाता, उधर प्रभु की लीला देखो, नाटक कितना जबरदस्त है, इतने साधु संत दुनिया में बना दिए,
बड़े बड़े आश्रम बना दिए, वो बाबा जी के पास देखो 100 एकड़ का आश्रम है, वहाँ बड़ी भीड़ लगी रहती है। यम का आसन जपा जाप जपाई जा रहे सारे, यम का आसन है सारे, ये प्रभु हंस रहा है। महाशून की से सजा कर तो हम लोरी गाता, तो हम लोरी गाता। तो कह रहा बच्चे तू कहाँ भटक रहा है, मैं इधर तेरे पास हूँ, जहाँ जो चीज है उसको वही खोजेंगे ना आप, आपका पैसा बैंक के लॉकर में पड़ा है उधर जाके मिलेगा आपको, हमारा हीरा तो अंदर है, खोज रहे हैं आश्रम में जाके कहाँ मिलेगा, कुछ नहीं मिलना, कोई दे नहीं सकता कुछ आपको। यम का सब नियंत्रण कर जपा जाप जपाता, कोई कहता जी गुरु मंत्र ले लिया पैसा, उन्होंने बोला किसी को बताना मत, अरे क्या ले लिया आपने, यम के आसन है सारे। मां देव कहते हैं मैंने बेटे इतनी बड़ी दुनिया बनाई, तू उसको देख इसमें खुश हो आनंदित हो, पर सो हम लोरी गाता, देखो प्रभु खुद गा रहा है। क्षमाशील हो कर मेरा साहेब अमृत रस बरसाता, क्षमाशील हो कर मेरा साहेब अमृत रस बरसाता, सेवानंद कहे सतगुरु का कर्जा कौन चुकाता, सेवानंद कहे सतगुरु का कर्जा कौन चुकाता, नहीं कर्जा कौन चुकाता, कर्जा कौन चुकाता। महादेव का कर्जा नहीं उतार सकते इस जन्म में, कितने जन्म लग जाएंगे, माँ बाप का जन्म उतारने उतना ही काफी है, उसके लिए पहले कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा बदलना अपने आप को, देखो उसके लिए झुकना पड़ेगा, खुद ही को मिटना पड़ेगा, जहाँ खुद ही वहाँ खुदा नहीं आता है, डीएमजी सिंड्रोम और इको प्रजाति को छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा त्याग करना सीखना पड़ेगा, माँ बाप के लिए त्याग करना पड़ेगा, है ना, पहले त्याग करना पड़ेगा तब प्रभु को त्याग कर सकते हैं, ये बात हमें समझनी पड़ेगी, है ना। तो ये इसी के लिए सारा ये सारा सिस्टम कर रहे हैं हम, इसीलिए जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव, जय जय महादेव, जय गुरुदेव, जय जय महादेव, जय महादेव, जय जय गुरुदेव, जय महादेव, जय जय गुरुदेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब हम सबको मौका मिला, आप इस बधाई के पात्र हैं कि आपने महाकाल का संकीर्तन किया और प्रभु ने ये कर्म दिया, ये भी बात है, हमेशा उसकी इबादत करनी है, उसकी खिदमत करनी है, उसकी रहमत के नीचे रहना सीखना है, कि उसने हमें ऐसी स्थिति बनाई कि हम उसकी थोड़ा बहुत मिलाप कर सके। अभी इंतजार नहीं करिए, हम तो स्टार्ट ही नहीं हुआ एक्चुअली, महाकाल का संकीर्तन तो शुरू करना खत्म करना बहुत मुश्किल है, अभी कुछ भी नहीं कराया आपको, जैसे उल्टे पुलटे हो जाएंगे सारे आप, इसलिए हमने कुछ करा ही नहीं है, अभी वैसे बातचीत ही कर रहे हैं थोड़ी बहुत, लेकिन चलो उसी जब प्रभु खुश हो जाएगा, प्रभु हम नाड़ी है तो थोड़ा बहुत प्रबोध कर देना, वो कर देगा, बोले बाबा। लेकिन हमारी अपनी प्रार्थना ये है कि आपने संकीर्तन किया, इसलिए आपके दिलों में रात को और बाद में भी शिव नाम की धुनी बजती रहे, शिव नाम का बघोर गिरता रहे, शिव नाम की डामरी अंदर गूंजती रहे, आपकी जुगनी जग जावे, आपको होश आ जावे, कुछ ना कुछ हम त्याग कर दे वहां जाके, कुछ ना कुछ प्रभु को दे दे, ये याद रखना वहाँ तब यहाँ मिलने का फायदा है, उधर प्रभु देख रहा है उसके सामने कमिटमेंट हो रही है हमारी सारी आपस में, अब जब प्रभु खुश हो जाए तो क्या करेगा प्रभु, प्रभु फिर डमरू बजाता है। अब शिव जब खुश हो बजाए डमरू, नाचते हैं बम, ये दानव भी नाचते हैं बम बोले बम, ये दानव भी नाचते हैं बम बोले बम, शिव जब खुश हो बजाए डमरू, शिव जब खुश हो बजाए डमरू, भक्तों की बिगड़ी बनाए डमरू, भक्तों की बिगड़ी बनाए डमरू, बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, मानव भी नाचते हैं बम भोले बम, मानव भी नाचते हैं बम भोले बम, देवा भी नाचते हैं बम भोले बम, देवा भी नाचते हैं बम भोले बम, नर भी नाचे बम भोले बम, नर भी नाचे बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, शिव जब खुश हो बजाए डमरू, शिव जब खुश हो बजाए
भोलेनाथ की जय हो। भोलेनाथ की जय हो। महादेव ने हमें 2 घंटे संकीर्तन करने का मौका दिया, उसके लिए उसका नमक तुते कर देते हैं वहाँ का। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। अब इसको सुन लिया सबने, अब भूलना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। नमस्तुते नमो नमो, नमस्ते नमो नमो, नम नम नमो नमस्तुते, नम नम नमो नमस्तुते, नमो नमो नमस्तुते, नमो नमो नमस्तुते, जय जय नमस्तुते, जय जय नमस्तुते, हर हर नमस्तुते, हर हर नमस्तुते, सर्वम नमस्तुते, सर्वम नमस्तुते, सर्वम नमस्तुते, सर्वम नमस्तुते, जय जय नमस्तुते, जय प्रभु का खड़े हैं, देख रहे हैं। आप प्रभु को कहते हैं ऐसा करो, हमारे अंदर ही आके बस जाओ, बस फिर चले जाओ, संकीर्तन भी हम खत्म कर देंगे तुम्हारा, तो अंदर आ जाओ। दिल तारे यार मोरे गलियों में मोरिया ना, दिल तारे यार मोरे गलियों में मोरिया ना, दिल तारे यार मोरे, दिल तारे यार मोरे गलियों में मोरिया ना, गलियों में मोरिया ना, ओम नमो शिवाय।